अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे क्रीमी वनीला कस्टर्ड। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए। उसमें हम 4 कप मिल्क डालेंगे, 1/4 कप शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे और उसे चूल्हे पे रख के बॉयल करेंगे। जब थोड़ा नीम गर्म हो जाएगा तो 1 कप मिल्क हम उसमें से निकाल के 2 टेबलस्पून कस्टर्ड के उसमें डालेंगे। वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड आपने लेना है। उसे अच्छी तरह मिक्स करके जो दूध बॉयल हो रहा है उसमें मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। जब कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी तो हम उसे चूल्हे से उतार लेंगे। ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें 1 कप फुल फैट क्रीम डालेंगे। उस क्रीम को 3 से 4 मिनट हम बीट करेंगे। फिर हम 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। बीट करेंगे, फिर जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ है वो उस क्रीम वाले मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। जब सही मिक्स हो जाएगा तो हम एक बॉक्स लेंगे और सारा कस्टर्ड जो हमने बनाया हुआ है वो इस बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद कस्टर्ड को डेकोरेट करने के लिए इधर मैंने ओरियो बिस्किट्स क्रश करके यूज़ किए हैं। आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। कैरेमल सिरप मैंने यूज़ किया है। अब आप इस कस्टर्ड को 1 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे और 1 आवर के बाद ठंडा होने पे सर्व कर सकते हैं।